प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ का आयोजन दतिया में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर गांव-गांव में अलग जगाने के लिए रवाना किया। मंत्री महिला बाल विकास विभाग द्वारा वृंदावन धाम में आयोजित एक कदम सशक्तिकरण की ओर कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में मंत्री इमरती देवी ने महिला बाल विकास द्वारा लगाई विभाग की प्रदर्शनी और महिलाओं के लिए पिंक ड्राइविंग लाइसेंस का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान महिला बाल विकास मंत्री ने स्कूली बच्चों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और सम्मान पत्र देकर उत्साहवर्धन किया। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। हमें बुलाया, इसमें बहुत अच्छी बात है जो आज हर आंगनवाड़ी है दतिया जिले में नहीं, हर जिले में एक कार्यक्रम हमने संचालन कर दिया कि हर जिले में एक कार्यक्रम होना चाहिए। वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और DPO को पता लगना चाहिए कि हमको आंगनवाड़ी का करना क्या है। वो आंगनवाड़ी आपने सुना होगा, मैंने कड़े निर्देश दिए कि अगर आंगनवाड़ी बंद पाई गई तो मैं चाहे कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, DPO हो, अभी आपने सुना होगा भोपाल में मैंने हाल के हाल 2 को सस्पेंड किया और इनको भी सस्पेंड करूँगी। मुझे सिर्फ आंगनवाड़ी चलना चाहिए और हम मुझे बच्चे कुपोषित जिलों में नहीं मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत गंभीर हालत है कि बच्चों को सही टाइम पे कुछ नहीं है, बच्चों को सही टाइम नहीं ज़्यादा। आपने बहुत पहले देखा होगा जी, अभी नहीं देखा होगा, चुनाव के बाद नहीं देखा होगा। चुनाव के बाद मैं खुद सक्रिय हूँ वो हर जगह कर जी। आप 15 साल की बात कर रहे हैं, 2003 से लेकर और अभी तक की बात कर रही हूँ, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी हमारी सारी आंगनवाड़ी खुल रही है। ऐसी कोई आंगनवाड़ी नहीं है जो नहीं खुल रही, और अगर जो नहीं खुल रही तो पर्यवेक्षक की जिम्मेवारी है, DPO की जिम्मेवारी है। अगर वो उन्हें सस्पेंड नहीं करेंगे तो हम इन्हें सस्पेंड करेंगे। मुझे आंगनवाड़ी खुलने की बहुत ज़रूरत है, बच्चों कुपोषित नहीं।